मेरे से काफ़ी लोग इंस्टा पे पूछ रहे थे कि आप अपनी बेटी के लिए कौन से डायपर्स यूज़ करते हैं कि रैशेज ना हो उनसे। तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले मैंने पैम्पर्स वाले यूज़ करके देखे, उसके बाद रोकिट वाले यूज़ करके देखे, अब जो है मैं बोनापापा वाले यूज़ कर रही हूँ। देन मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ, यही मैंने इस बार जो है वो बोनापापा के मंगवाए हैं। इसकी क्वालिटी और जो हमारे पैम्पर्स के हैं डायपर्स, सेम क्वालिटी है, बिल्कुल भी इनसे रैश नहीं लगती। और अगर ज़्यादा मेरा इसमें जो आपको मैंने सारी क्वांटिटी वगैरह शो कर दी कि कितनी है, 88 आई थिंक तो इसके पीसेस होते हैं, और ये 2800 इसकी प्राइस है। इसकी प्राइस जो है वो पैम्पर से थोड़ी सी ज़्यादा है, और ये अपने वेट के अकॉर्डिंग ये पैम्पर्स का साइज़ होता है, और अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर ज़्यादा रैशेज बच्चों को इशू हो जाए तो आप क्या कीजिएगा कि वैसलीन लें और उसको थोड़ा सा उनकी स्किन पे लगा दीजिएगा, तो बिल्कुल भी रैश नहीं होंगे। मुझे तो पैम्पर्स और ये बोना पापा के अच्छे लगे, रेदर देन के वो जो मैंने यूज़ किए थे रॉकेट के।